So in this session, we are going to discuss apparent frequency and real frequency. ये apparent frequency और real frequency का जो concept है वो हमें Doppler effect से मिलता है, Doppler effect, ठीक है। Sound का एक बहुत important discussion है sound के बारे में, Doppler effect में। एक apparent frequency होती है और एक real frequency होती है। क्या है ये apparent frequency और क्या है ये real frequency, इसको discuss करना है। ठीक है, apparent frequency और real frequency को ज्यादा अच्छे से discuss करने के लिए एक example लेते हैं। ठीक है, वो example है, यहां पर हमारे पास एक जीप है, इस जीप पर एक siren लगा हुआ है, इस जीप पर एक siren लगा हुआ है। ये साइरन न्यू फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। दिस साइरन इज प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड द जीप इज मूविंग विद वेलोसिटी वीएस। इसे हम वीएस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीप इज अ सोर्स ऑफ साउंड है यहां पे, इसीलिए इसे वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये हो गई ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और यहां पर एक लिस्टनर है, यानी कि व्यक्ति है, एक पर्सन है जो इस जीप के आगे भाग रहा है। जीप भी मूव कर रही है वीएस वेलोसिटी से, जीप में जो साइरन है वो न्यू फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जीप के आदमी आगे जो आदमी भाग रहा है, जो पर्सन भाग रहा है, उसकी वेलोसिटी है वीएल। इसे बोल रहे हैं लिसनर क्योंकि वो आदमी तो साइरन को सुनेगा, तो वेलोसिटी ऑफ लिसनर इज वीएल। इसे मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ लिसनर, मैंने यहां पर लिख भी देता हूं वीएल इज वेलोसिटी ऑफ लिसनर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लिसनर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डॉपलर्स ने क्या बोला था कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर, जब सोर्स और लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, देन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी लिसनर को सुनाई देगी, दैट इज न्यू डैश मान लेते हैं, देन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग होगी और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बिल्कुल अलग होगी, बोथ दी वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहां पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी न्यू और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी थी न्यू डैश, जो हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है यहां तक? तो अब इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम डॉपलर इफेक्ट का। इस फॉर्मूले के अंदर न्यू डैश आपके लिए एक अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है और न्यू आपके पास रियल फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की। V इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ये फॉर्मूला हमें डॉपलर इफेक्ट के थ्रू मिला है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पर्सन को कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और उस टाइम पर सोर्स और लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन है। ठीक है, अगर सोर्स और लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन है तो रियल फ्रीक्वेंसी और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। क्लियर? ये फॉर्मूला हमें डॉपलर इफेक्ट ने दिया था। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर, जब सोर्स टुवर्ड्स द लिसनर जा रहा है, लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर एंड लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर या लिस्नर भी आप लिख सकते हो वी एल।
ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ लिसनर कर देते हैं, इट विल बी बेटर फॉर यू. वेलोसिटी ऑफ लिसनर जो आवाज सुन रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू रियल फ्रीक्वेंसी एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. वी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, Vs is velocity of source, Vl is velocity of listener. This is the desired formula for Doppler's effect, जो हमें use करना है. ठीक है? So this is about the difference between the original and the apparent frequency, मतलब real frequency and apparent frequency that takes place in Doppler's effect. इसमें sign convention में changes क्या होते हैं ये सुन लीजिए. ये फॉर्मूला तब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये कंडीशन है, सोर्स लिस्नर की तरफ जाना चाहिए, लिस्नर अवे फ्रॉम द सोर्स जाना चाहिए. अगर इसमें कोई चेंज आ जाए, लेट अस सपोज लिस्नर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स हो जाए, लिस्नर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लिस्नर, मतलब पहले लिस्नर इस तरफ जा रहा था, अगर लिस्नर इस तरफ जा रहा होता देन व्हाट विल हैपन, कुछ नहीं करना है. लिस्नर की वेलोसिटी अभी माइनस वी एल लिखी है ना, साइन चेंज कर लो बस. डायरेक्शन चेंज होते ही साइन चेंज, यहां प्लस आ जाएगा उसके इसमें. अगर लिस्नर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है, ये साइन चेंज कर दिया. लिस्नर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, ये बहुत बड़ा. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सोर्स अवे चला जाए लिस्नर से, कोई बात नहीं, जाने दो. सोर्स अवे फ्रॉम द लिस्नर मतलब ये बैक लेना शुरू कर दे जी, साइन चेंज कर दो, प्लस कर दी. सोर्स अवे फ्रॉम द लिस्नर, जब तक सोर्स टुवर्ड द लिस्नर जा रहा था तब तक यहां माइनस वी एस था, जब वो अवे फ्रॉम द लिस्नर जाएगा प्लस वी एस हो जाएगा, बस साइन कन्वेंशन चेंज कर दिया. सो दिस इज अबाउट द बेसिक ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट एज वेल एज द चेंज इन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एंड रियल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लास 9th. ये टॉपिक क्लास 11th में भी है, एनडीएसई में क्लास 9th में यूज किया जा सकता है, और हमें इसका बेसिक पता होना बहुत जरूरी है. हो सकता है ये फॉर्मूला अभी हमारे काम ना आए क्लास 9th में, बट ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की, ये हमें ध्यान में जरूर रखना होगा. ठीक है, कि ये हमारे काम आ सकती है कि जब सोर्स और लिस्नर मूव कर रहे होते हैं देन देयर विल बी अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम सोर्स टू लिस्नर.